अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस टाइम बारिश भी चल रही है इस्तांबुल में और सर्दी भी बहुत शदीद है, लेकिन हमने कहा वीडियोस तो बनानी है अभी लाजमी तौर पे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चंस भी किए थे और मेरे जहन में भी था कि ये वीडियो तो लाजमी बनानी है। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से इस्तांबुल का मैं आपको बताऊँ कि इस्तांबुल एक बहुत बड़ा मैसिव शहर है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलाके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इस्तांबुल पूरा कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। यहाँ पे तीन चार किस्म की बसेज हैं। एक वो मिनी बस होती है, जो छोटी सी बस है, जो कि हर घर घर जाती है, हर गली जाती है, हर मोहल्ले जाती है। उसके बाद फिर वो आम रोड पे ना बस होती है, उसको मेट्रो बस भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो आम एसी वाली बस होती है और वो हर रोड पे चल रही होती है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो बस है वो मेट्रो बस है, जो उसका अलग ही रोड है और पूरा इस्तांबुल के अंदर जो है ना वो फैली हुई है। और उसके अलावा जो है ना ये तीन चार किस्म की बसेज हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, पूरे इस्तांबुल को इसने कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो है ना इस्तांबुल के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन भी है लंदन की तरह, जिसमें हम बहुत सारे इलाकों में जा सकते हैं। और उसके अलावा ट्रेम है जो ऊपर चलती है, आपने देखी होगी अगर आप टूरिस्ट एरियाज आए हैं सुल्तान अहमद वगैरह, तो वहाँ पर चलती है। तो ये सारा अभी हम लोग जा रहे हैं, ये सारे मैं आपको ट्रेवलिंग करके दिखाएँगे और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसमें ट्रैवलिंग की जाती है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा यहाँ पे टैक्सी भी अवेलेबल है। एक तो आम वाली टैक्सी है जो आप रोड से पकड़ के पीले कलर की, उसको भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि मैं रेकमेंड करूँगा वो आप यूज़ करें, उसका नाम है बी टैक्सी। इसके अलावा भी एप्लीकेशन है लेकिन ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन है। बी टैक्सी आपने डाउनलोड करना है मोबाइल में, और जो आम टैक्सी है ना जो आप रोड से पकड़ेंगे उस पर अगर आपके 200 लीरा आते हैं ना, तो इस पर 100 लीरा आएंगे, यानी 50% कम लीरा आपको पड़ेगा ये बी टैक्सी के एप्लीकेशन के थ्रू। आपको सब नज़र आ जाते हैं, जैसे ऊबर है उसी तरह ये भी है। जी व्यूअर, अभी ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये बस स्टेशन है मेट्रो बस का, और इसमें सफ़र करने के लिए आपके पास ये इस्तांबुल कार्ड होना चाहिए। तो ये कार्ड 5 लीरा का मिल जाता है और उसके बाद ये रिचार्ज होता है। तो ये तमाम किस्म के ट्रेन के अंदर भी काम करता है, ट्रेन में भी काम करता है और मेट्रो बस के अंदर भी काम करता है, और जो आम बसेज होती है उसमें भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ समंदर बहुत ज़्यादा है इस्तांबुल में, तो जो फेरी होती है ना उसमें भी ये काम करता है। लोकल्स में फेरीज भी चलती है, और किसी भी बस में जब आप ट्रेवल करते हैं, जो मेट्रो बस है उसके तो एक ही लाइन है ना, उसमें लिखा होता है कि ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी वाली लाइन दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन जो आम बसें होती हैं उसमें भी लिखा होता है कि ये बस कहाँ जा रही है, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग ये मेट्रो बस में सफ़र करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है इसका सिस्टम। ये सिंपली हमें पंच करना पड़ेगा, फिर हमें एंट्री मिल जाएगी। तो 5.5 रुपये कटते हैं, 5.5 लीरा यानी तकरीबन 100 रुपये, जिसमें आप इस्तांबुल में कहीं भी जा सकते हैं। वही है, हमें फॉलो करें। मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म है, तो यहाँ पे ये मशीनें लगी होती है, तो इन मशीनों में हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। सिंपल तरीका होता है, आपने इसको रखना है यहाँ पर और फिर इसमें पैसे डालने, इस तरह के बहुत सिंपल। ₹20 इसमें जो है ना मैंने वो रिचार्ज कर लिए है, और ₹20 से अभी सफ़र करेंगे तो बहुत इजी है। दोस्तों, हम बस के अंदर आ गए हैं और ये काफ़ी बड़ी बस होती है मेट्रो। अगर इसमें बैठने की भी जगह है, खड़े होने की भी जगह होती है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी बैठने की जगह होती है। आजकल कोविड चल रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैनिटाइज़र का भी सिस्टम है इसके अंदर। तो इसमें आलमोस्ट 200 बंदे आ जाते हैं अगर ये खड़े भी हो जाए, बैठ भी जाए। 200 लोग इजीली यहाँ पे फिट हो सकते हैं। जी जी, काफ़ी बड़ी बस है, तो जब भी आप इसमें इंटर होंगे तो बैठने की जगह अगर नहीं है तो खड़े होने की जगह तो मिल ही जाती है। अभी हम लोग तकरीबन 40 मिनट तक इसमें सफ़र करेंगे, फिर आपको अपडेट करते हैं।
जी व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे बस से उतर गए हैं और तकरीबन 40 मिनट हमने सफ़र किया बस के अंदर। ये स्टेशन है शिशली में हम उतर गए हैं और 40 मिनट के बाद हम लोग बिलकदुदू से यहाँ पे पहुँचे हैं शिशली में। तो अच्छा सफ़र रहा मेरे ख्याल से, और यही बस आगे भी जाती है, ईशन साइड पे भी जाती है। बहुत फास्ट बस है क्योंकि एक ही ट्रक है, इसमें दूसरी को बसेज यूज़ नहीं होती, दूसरी गाड़ी यूज़ नहीं होती, ट्रक सीधे जिन्हें भी जाना हो। और 5.5 रुपये इसका किराया है, यानी कि जो मेट्रो बस है ना उसमें जब आप जाएंगे तो 5.5 रुपये लगेंगे, यानी 5.5 लीरा लगेंगे, पाकिस्तानी तकरीबन 100 रुपये, लेकिन उसमें 1.5 रुपया वापस आ जाता है यहाँ पे जब आप अपना कार्ड दोबारा पंच करते हैं ना एग्जिट करते वक्त। तो 5.5 लीरा थोड़ा सा ज़्यादा, आप समझेंगे कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी वजह ये है कि ये आप एक कोने से दूसरे कोने तक भी जाएंगे ना तो यही पैसे लगेंगे, यानी कि स्टेशन का हिसाब नहीं है। बाकी जो ट्रेन है, ट्रेन में कितने लगते हैं? हम ट्रेन में भी सफ़र करेंगे, ट्रेन पे अराउंड 4 लीरा ट्रेन में लगते हैं, अंडरग्राउंड वाला जो ट्रेन है, और जो ट्रेन है जो ऊपर चलता है उसमें 3.5 लीरा लगते हैं, उसमें तो मैंने सफ़र किया है। लेकिन अभी हमें शिशली में थोड़ा काम है तो हम टैक्सी करके वहाँ जाते हैं, तो टैक्सी का भी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और हम फिर जो है ना ट्रेन यूज़ करेंगे, अंडरग्राउंड ट्रेन जो यहाँ पर होती है। शिशली के अंदर जो है ना ये रेस्टोरेंट्स ओपन है, मुझे ज़रा भूख लगी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा खाना वाना ले लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ से सिर्फ ले सकते हैं, खा नहीं सकते, डाइन इन बंद है ना लॉकडाउन की वजह से। तो अभी यहाँ से ये खाना ले लिया है और अभी टैक्सी में कहेंगे आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा। जी भी वर्ज़ अभी हम ये टैक्सी में बैठ गए हैं और ये मीटर टैक्सी होती है, मीटर लगा होता है तो मीटर के थ्रू चलता है। 5 लीरा से ये स्टार्ट होता है और मिनिमम इसके चार्जेस जो है 13 लीरा होते हैं, यानी कि आप अगर बैठ जाते हैं और वापस उतर जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो भी 13 लीरा देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो मिनिमम चार्जेज है। उसके अलावा जितना मीटर्स आप जाएँगे, जितना जाएँगे तो उतना आपका खर्चा आएगा। तो ये हर जगह पर अवेलेबल होती है ये वाली टैक्सियाँ, ठीक है, पीले कलर की। वैसे जो बी टैक्सी है वो भी आप बुलाएंगे, वो भी पीले कलर का होता है, ऊबर या इस तरह के और भी जो भी टैक्सी सर्विसेज है वो सारा यही टैक्सियाँ आती है आपके पास। लेकिन अगर आपको करीब करीब में जाना है तो फिर ये रोड से पकड़े तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 13 वो भी लेगी मिनिमम और इसका इनका भी 13 होता है, ठीक है जी। अगर आपको दूर जाना है तो मतलब 3-4 किलोमीटर से दूर जाना है तो फिर आप वो बी टैक्सी मंगाएं। अच्छा व्यूअर, टैक्सी से हम लोग उतर गए हैं और टैक्सी में हमारे सिर्फ 13 रुपये लगे हैं क्योंकि हमें 2-3 किलोमीटर आगे आना था। और यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा टैक्सी के स्कैम्स के हवाले से कि टैक्सी वाला ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये जब मैं पहले टूरिज़्म के लिए यहाँ पे आता था ना इस्तांबुल, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा चार्ज करते हैं और स्कैम वगैरह भी होते हैं यहाँ टैक्सी वालों की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ टूरिस्ट एरियाज़ के अंदर है। जो तकसीम और सुल्तान अहमद वगैरह है ना, वहाँ के टैक्सी वाले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं, और या जो एयरपोर्ट पे टैक्सी होती है उसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो टूरिस्ट के अलावा जो बाकी एरियाज़ है ना उसमें नॉर्मली रेट होता है। मतलब आप सिंपली गूगल मैप लगाएं जहाँ पर आपने जाना है और उसको बताएं कि यहाँ पर मुझे जाना है एंड दैट्स इट, और उनको दे दें तो वो उसी को फॉलो करके फिर आगे जाएंगे और आपको वही पैसे चार्ज होंगे जो एक्चुअल पैसे है, ठीक है। टैक्सी के बाद अभी हम लोग मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड यहाँ पे ट्रेन है इस्तांबुल में, तो इसके स्टेशन अभी हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ का ट्रिप आपको दिखाएंगे कि यहाँ का कितने का है और कैसा है सिस्टम।
अच्छा व्यूवर्स, ट्रेन जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है और पहली बात यह है कि ये जो मेट्रो ट्रेन सिस्टम है किसी भी तरीके से न्यूयॉर्क और लंदन का जो ट्रेन सिस्टम है उससे कम नहीं है। दूसरी बात यह कि ये 3.5 लीरा लगे हैं जो कि पाकिस्तानी 65 रुपये बन रहे हैं और जो डॉलर में है ना 50 सेंट्स बन रहे हैं, तो इतना बुरा नहीं है। और इसमें भी ये अच्छी बात है कि आप जहाँ भी जाएंगे ना तो इतना ही किराया होता है, यानी कि वो स्टेशन के हिसाब से नहीं है। आप मेरे ख्याल से एक कोने से दूसरे कोने तक इतना ही है ना, बिल्कुल है। ये मेट्रो ट्रेन के अंदर बिल्कुल। तो अभी हम लोग ये अक्सरे तक आए हैं शिशली से ट्रेन में, तो हमने कही तो आपको एक्सपीरियंस बता दिया और दूसरा प्राइस वगैरह भी, और वही इस्तांबुल का इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, जी व्यूअर्स, फाइनली मैंने ट्रेन के अंदर सफ़र किया है। अभी यहाँ पे ट्रेन जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर चलती है और ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड होती है। तो ये जो ट्रेन है ये भी इस्तांबुल के अक्सर इलाकों में आपको नज़र आती है, ख़ासतौर पे सुल्तान अहमद और ये जो तकसीम एरिया है और अक्सर है वगैरह जो टूरिस्ट एरियाज है ना वहाँ पर ये ट्रेन चलती है। ये पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है इसमें भी हल्का फुल्का आप विज़िट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा नज़ारा होता है, बाहर का सीन भी बड़ा अच्छा नज़र आता है, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। इसके भी 2.5 रुपये कटे हैं। जो अंडरग्राउंड ट्रेन थी ना उसमें मेरे 3.5 रुपये लगे, इस वाले में 2.5 रुपये लगे। वही कार्ड इसमें भी चलता है, इस्तांबुल कार्ड। और हमारा इरादा था कि जो है ना वो साबिर भाई मेरे साथ थे जो मेरे साथ रहेंगे अभी वीडियोस के अंदर, तो हमारा इरादा था कि हम लोग फेरी भी ले लें वहाँ, आई मीन उन्होंने से फेरी मिलती है आगे उस्कुदार जाने के लिए, तो उसमें 5 लीरा लगते हैं, वो भी यही कार्ड यूज़ होता है वहाँ पर। तो वहाँ भी हमें जाना था लेकिन मैं आज बीमार हूँ ज़रा सा, तो मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है। अभी मैं दोबारा मेट्रो बस में बैठ के घर जाऊंगा, लेकिन वो साबिर भाई चले गए हैं, तो उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उनकी वीडियो आप वॉच करके देख सकते हैं उसमें कि यही कार्ड हम लोग जो है ना फेरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, सेम प्रोसेस होता है, वहाँ जाके आपने जो है ना पंच करना है और आपको एंट्री मिल जाती है। तो आज जब मैं घर से आ रहा था बिलकदुजू से, वहाँ से मैंने तकरीबन 20 रुपये डाले थे अपने कार्ड के अंदर, और उसमें मैं वहाँ से शिशली गया मेट्रो बस के अंदर, 5.5 रुपये मेरे खर्च हो गए। उसके बाद फिर मैं ट्रेन यूज़ किया 3.5 रुपये, और अभी ट्रेन यूज़ किया तो 2.5 रुपये इसके हो गए, तो ये हो गए टोटल 11 रुपये। और अभी मैं वापस जाऊंगा तो 6 रुपये और लगा लो, वैसे 5.5 रुपये लेकिन 6 रुपये और लगा लो आप। तो अभी मैं घर जाऊंगा, यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में मेट्रो बस के ज़रिए। तो 17 रुपये में जो है ना ये पूरा मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस्तांबुल को एक्सप्लोर किया है, सिटी सेंटर को भी और आउटस्केट्स को भी। उसके अलावा जो है ना सिंपली अगर हम टैक्सी के 13 रुपये लगाए तो 30 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि हमने टैक्सी में इसलिए सफ़र किया ताकि आपको टैक्सी का भी एक्सपीरियंस जो है ना वो मिल जाए। और वंस अगेन टैक्सी के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप दूर जाते हैं ना तो फिर लाजमी ये बी टैक्सी का जो एप्लीकेशन है इसको लाजमी यूज़ करें, और अगर करीब करीब में आ जाते हैं जिसमें आपको 13 रुपये लगने ही लगने हैं तो वो फिर वो वाला यूज़ करें जो कोई भी टैक्सी आपके सामने येलो आ जाती है। ठीक है जी, तो इस्तांबुल में बहुत ईजी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, टैक्सी वगैरह सब मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है और रीज़नेबली चीप भी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो वैसे तो मैं और भी कुछ आपको दिखाता लेकिन बस थोड़ा सा आज तबीयत सही नहीं है। तो थैंक यू गाइस कि ये वीडियो जो है ना आपने वॉच किया, और आई होप को आपको पूरा आइडिया हो गया होगा इस्तांबुल के ट्रांसपोर्ट के हवाले से। थैंक यू और सी यू अगेन वेरी सून।